खतरे में माधव की जान। अफीरा और अरमान हुए परेशान। हे भगवान, अपने आप को पहचानने में मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? इतनी देर कैसे कर दी? खुद को रो रो कर हुआ विद्या का बुरा हाल। अस्पताल में सभी हुए इमोशनल। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में माधव को लग गई है गोली। ऐसे में वो घायल स्थिति में वहाँ फंसे हुए हैं। अरमान और अभिरा भी पहुँच गए हैं उस होटल में और अपने पापा को तलाश रहे हैं, लेकिन उनके पापा उन्हें नजर नहीं आ रहे। ऐसे में दोनों की परेशानी बढ़ती जा रही है। स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा होने वाला है ढूंढने के लिए। एक तो हम पैनिक हैं, पापा ने ही फ़ोन किया था अरमान को और कहा था कि मुझे गोली लग गई है, और हमें नहीं पता वो किस हाल में है, कहाँ है, हम किसी से पूछ रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। अब हम ढूंढ रहे हैं, काफ़ी खून बह जाता है। तब तक ढूंढ लेते हैं, लेकिन उसके बाद जाने के बाद भी वो ऑपरेशन थिएटर में होते हैं और काफ़ी वक्त तक बाहर नहीं आते, तो अब कह नहीं सकते कि क्या हालत होगी उनकी। अभीरा की एक कोशिश तो नाकाम रही, लेकिन यहाँ पर अभीरा और अरमान दोनों ने ही हार नहीं मानी। जैसे तैसे कर उन्होंने माधव को ढूंढ लिया और ले आए अस्पताल में, जहाँ पर अरमान पूरी तरह से टूट गया है अपने पापा की हालत को देखकर। ऐसे में अभीरा उसे संभालने की कोशिश कर रही है और तभी हो जाती है पूरे परिवार की एंट्री। ये खबर जानकर पूरा परिवार परेशान है और विद्या उसका तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है, क्योंकि उन्हें अपनी गलतियों का भी एहसास हो रहा है। ऐसे में वो सभी के सामने अपने आप को ही कसूरवार ठहरा रही है। सुबह हमने सीन किया था जहाँ वो हॉस्पिटल में है ऑलरेडी, ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में, और माँ आती है। माँ बहुत ज़्यादा, उनकी हालत एकदम ज़्यादा ख़राब है। वो काफ़ी कुछ बोलती हैं अरमान से, कहती हैं कि मैंने उन्हें कभी उनकी गलतियों को माफ़ नहीं किया, मैंने हमेशा उनकी गलतियों को याद रखा, वो हमेशा मुझे माफ़ करते रहे, और अब मैं अपने पति को खो रही हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, बहुत बढ़िया सीन था वो। सभी घरवाले माधव की तबीयत को लेकर बेहद परेशान थे ही कि तभी डॉक्टर ने आकर सभी की परेशानी को और बढ़ा दिया, क्योंकि माधव को चाहिए बी नेगेटिव ब्लड, जो किसी भी अस्पताल में नहीं मिल रहा। ऐसे में अरमान बेहद परेशान है और तभी अभीरा सबके सामने आ जाती है मदद करने के लिए। ये सब क्या हो रहा है? शहर में कोई तो होगा जिसका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव हो। मेरा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव। अभीरा की बात सुनकर एक पल के लिए पूरे परिवार की जान में जान आई थी, लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि डॉक्टर आकर अभीरा को ब्लड देने से मना कर देती है, क्योंकि अभीरा के प्लेटलेट्स बहुत ही कम है। ऐसे में अभीरा ब्लड डोनेट नहीं कर सकती, लेकिन अभीरा कहाँ मानने वाली, वो तो अपने पापा की जान बचाना चाहती है। ऐसे में अरमान उसे रोकता है और तो और अपने भाई और बहन को भी अभीरा की निगरानी करने के लिए कहता है। सुनो, तुम लोग यही रहना और इसे ब्लड डोनेट मत करने देना, डॉक्टर ने बोला इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ठीक हूं। इसकी बात मत सुनो, तुम यही रहो। मैं ठीक हूं।
तो ब्लड की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, तो उनका उनको जो ब्लड ग्रुप चाहिए वो बी नेगेटिव है, एंड लकीली वो मेरा ब्लड ग्रुप है, तो मैं बोल देती हूँ कि मैं खून देने के लिए तैयार हूँ। बट उसमें भी थोड़े कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि मेरा जो प्लेटलेट काउंट है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो सकती है। बट ऑफकोर्स पापा के लिए है और पापा के लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ, तो मैंने बोला नहीं नहीं आई एम रेडी, मैं खून देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और प्लीज़ आप मुझसे ले लीजिए। अरमान चाहे लाख मना कर ले, अभीरा करेगी वही जो उसने ठान ली है। इसीलिए देखिए कैसे चारू को अपनी बातों में बहका कर वो ब्लड डोनेट करने के लिए वहाँ से जाने की तैयारी कर रही है। अब देखना होगा क्या अभीरा अपने पापा माधव की जान बचा पाएगी और क्या इसके बाद घर वालों के दिल में अभीरा बनाएगी जगह, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, नाम तो आप सब जानते हैं, सास बहू और बेटियाँ। और अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी, सो गेट सेट गो।